विपुल शाह और सुदीप्त सेन की फिल्म द केरला स्टोरी के बैन की डिमांड लगातार उठ रही है। फिल्म अपने ट्रेलर और टीजर रिलीज से ही विवादों में घिरी हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कने के चलते ममता बनर्जी सरकार ने इस मूवी को बैन कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द केरला स्टोरी को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो खुद 12 मई को पूरे कैबिनेट के साथ ये फिल्म देखेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही द केरला स्टोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी की थी। चिंता जताई है ऐसी ही आतंकी साजिश पर, बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, द केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रहे आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। इस सिनेमा का भी कांग्रेस ने विरोध किया है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है।